हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्या भोजपुरी एंड हिंदी ब्लॉग्स में। तो बहुत दिनों से मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे क्योंकि बहुत काम वगैरह हो गया था। बच्चों के स्कूल चालू हो गए तो मैं बिजी हो गई थी उसमें। और आजकल एक मैं नया नया काम कर रही हूँ, मतलब सिलाई। तो सिलाई मतलब अपने लिए ही कर रही हूँ, बच्चों के लिए, अपने लिए। सिलाई मुझे आती थी, पहले से ही आती थी। बीच में बच्चे हुए हैं, डिलीवरी, बच्चे का टाइम मतलब कब बीत गया, 8-9 साल पता नहीं चला। तो इस समय मैंने मतलब सिलाई छोड़ दिया था उस टाइम, अभी फिर से स्टार्ट कर दिया है। मतलब अपने लिए ही करती हूँ, बच्चों के लिए करती हूँ, अच्छा लगता है। थोड़ा बहुत भी टाइम है अगर आपके पास तो कुछ कुछ करते रहो, तो दिमाग खाली नहीं रहता, मन इधर उधर नहीं होता है। और क्या है कि खुद में बिजी रहो सबसे अच्छा है, वो भी ऐसी जगह जहाँ आप किसी को ज़्यादा जानते नहीं हो और वहाँ का रहन सहन, लैंग्वेज सब मतलब अलग ही है, हमारे तरफ से तो बहुत अलग है। तो देखिए दोपहर के बज गए हैं 12 और 1 बजे मुझे बच्चों को लाने स्कूल में जाना रहता है। तो अभी घर का सब काम वगैरह हो गए हैं, खाना धोना, पूजा पाठ, नाश्ता, ये सब हो गया। और देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मलाई इकट्ठा हो गया था तो घी जला रही हूँ, इसी कढ़ाई में घी जलाती हूँ। थोड़ा मोटा कढ़ाई है तो आराम से जल जाता है। और देखिए प्रोसेस शुरू हुआ है, ऐसे धीमा ही है क्योंकि तेज कर रही हूँ तो बबल चारों तरफ छिटकने लग रहा है। अच्छा देखिए सारा काम वगैरह हो चुका है, तो सब काम वगैरह हो गया है। वैसे ही इसी सब काम में बिजी रहती हूँ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या बनाया है। तो सब कुछ तो एक साथ नहीं शेयर कर सकती, अभी दोपहर मुझे बच्चों को लेने भी जाना है, तो धीरे धीरे शेयर करूँगी एक एक करके। तो चलिए आज एक गाउन दिखाऊँगी मैं आपको। तो देखिए ये वो गाउन है, ऐसे आपको नज़र आ रहा होगा पूरा ऐसे। ये देखिए नीचे ये पिको हो गया है, अस्तर भी लगाया है मैंने इसमें। देखिए अंदर लाइनिंग है और ऐसे सुंदर लग रहा है कि नहीं आप लोग जरूर बताइएगा। ये ऐसे है, ऐसे गला है और यहाँ टिकटॉक वाले बटन है, ऐसे ऐसे बंद करना है। और ये कॉलर देखिए, ये कोट कॉलर ये मैंने बनाया है, स्लीव है इसका। तो पहन के भी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, पहले ऐसे देख लीजिए। और आप लोग ये मत सोचिएगा कि सावन है तो मेरी चूड़ियाँ बहुत कम की बनी है, क्योंकि ये देखिए मेरा हाथ जल गया है, अभी थोड़ा ठीक हो गया है, बहुत ज़्यादा जल गया था, कढ़ाई से लग गई थी बहुत ज़्यादा। तो ये ज़्यादा चूड़ियाँ थी तो ऐसे लग के स्क्रैच होता था और मतलब चोट बार बार और ज़्यादा हो जाता था, इसलिए मैंने ये जला हुआ है, इसलिए मैंने बाकी चूड़ियाँ अभी निकाल दी हैं। और ये गाउन साड़ी का बना हुआ है, ये गाउन साड़ी का बना हुआ है। देखिए मैंने लेस लगा दिया है इसमें यहाँ पे, और जब पहनूंगी तो आपको दिखाऊंगी पहन के भी, साइड में लगा दूंगी। कई सारे मेरे ब्लॉग में आपने वो साड़ी देखा होगा, रील्स वगैरह में देखा होगा, शॉर्ट्स में देखा होगा। और तो आपने ये गाउन देखा, साड़ी की पिक में अटैच कर दूँगी। और देखिए ये ब्लाउज, इधर इन दिनों यही सब कर रही थी मैं, इसलिए मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे, अब आएंगे धीरे धीरे। और डेली का वही सब क्या दिखाऊं, क्योंकि मैं कोई डेली ब्लॉगर तो हूँ नहीं कि आप लोग को डेली का सब काम घर का दिखाऊं। तो ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, एक मिनट, अभी ये सब प्रेस भी करना है मुझे, गाउन भी प्रेस नहीं हुआ है। तो ये देखिए ये वाला डिज़ाइन जो आजकल चल रहा है, तो ये ब्लाउज बनाया है मैंने, ये बाजू है। और पीछे से दिखाती हूँ, ये देखिए पीछे ऐसे है, ऐसे डिजाइन है। तो पहनने के बाद ज़्यादा लुक पता चलेगा कि कैसा है। तो ये गाउन, एक ब्लाउज और एक और ब्लाउज बनाया हूँ। और जो पीको है मतलब गाउन में, इसमें वो मैंने नहीं किया, वो पीको में करवाती हूँ क्योंकि पीको मशीन नहीं है मेरे पास। और ये देखिए एक ये ब्लाउज सिला है मैंने, चौकोर गला है इसमें। और देखिए इसकी बाजू मैंने ये फ्रिल वाली बनवाई है, देखिए मतलब सिल के फिर ये पीको मैंने कराया है। तो एक ये ब्लाउज सिला है और अपनी बेटी के लिए फ्रॉक सिला है मैंने, ये साड़ी से बना है। एक और साड़ी है जैसे लहरिया प्रिंट में, एक और लहरिया प्रिंट में साड़ी है, उसका मैं कुर्ती स्कर्ट बना रही हूँ। तो आपको मैं वो बन जाएगा फिर दिखाऊंगी। और ये तो हाफ पैंट है जो मैंने अपनी बेटी के लिए सिला है, देख सकते हैं आप लोग, वो प्रेस करना बाकी है, प्रेस नहीं हुआ है। आप लोग को पता नहीं यकीन हो रहा होगा कि नहीं कि मैंने सिला है। तो देखिए ये जो कपड़े का टुकड़ा देख रहे हैं आप लोग, इसी कपड़े के टुकड़े मतलब यही कपड़ा था जो मैंने अपने बेटी के लिए फ्रॉक सिला है।
तो अभी उसने पहना था कल, आज मशीन में डाला हुआ है तो नहीं दिखा सकती। और ये देखिए, ये भी साड़ी से सिला है मैंने, स्कर्ट है पूरा, और ये भी को किया है मैंने, अच्छा लग रहा है ना। जब पूरा बन जाएगा, ये तो तैयार हो गया है, पीको करवाया है मैंने सॉरी, और पूरा सिलाई मैंने किया है। तो ये जब तैयार हो गया, मगर ये देखिए आप लोग यकीन नहीं करते, इसलिए मैंने दिखा दिया कि ये साड़ी ही है। तो ये सब साड़ी मेरे पास नई नई रखी थी, मगर मैं पहनती नहीं हूँ ऐसी साड़ियाँ, तो मैंने सोचा कि कुर्ती वगैरह बना लूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैसे भी ये मालवा क्षेत्र इधर ऐसे लहरिया और कुर्ती स्कर्ट ये सब बहुत चलता है, स्कर्ट के साथ इधर लांग चोली वगैरह पहनते हैं। तो ये देखिए साड़ी का टुकड़ा, अभी मैंने कुर्ती नहीं बनाया है, और ये अस्तर है। इधर देखिए आप लोग, देखिए मैं निशान वगैरह लगा के रखा है, अगर अच्छे से दिख रहा होगा आप लोगों को तो दिखाती हूँ मैं। ये देखिए मैंने निशान वगैरह लगा के रखा है, अभी काटूंगी, कुर्ती नहीं बनाई हूँ, अब कुर्ती बना लूँगी। और अभी मैंने जल्दी नायरा सूट की कटिंग की है, बन जाएगा तो वो भी दिखाऊंगी। तो अब टाइम हो गया है, 1 बज गया, अब चलती हूँ बच्चों को लेने, और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। और इसको मैं क्या क्या हुआ तो अच्छा से ढको, डांस कर रहा था देखिए दोस्तों, भाई इधर आपको सन से धूप लग रहा है। हाँ धूप आ गया। हाँ धूप आ गया, धूप आ रहा है। हाँ। अच्छा तो देखिए दोस्तों, अब मैं बेटे को घर लेके आ गई स्कूल से, और ये वाला गांव जो मैंने सिला था, ये दो घेर वाली गांव है, और जो मैंने सिला था इसको मैंने पहन लिया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आप लोग ये गांव मेरा, और सुंदर लग रहा है मुझे। ये वाला कॉलर कोट कॉलर है, और बाजू देखिए पीकू करा लिया है मैंने, और प्रेस कर। तो उम्मीद है आज का ब्लॉग आप सबको पसंद आया होगा, तो मिलते हैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।